संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का सोमवार को बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान ने शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलेगा तथा पूरे माह प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। विधायक विमलेश पासवान ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने ना दें तथा अपने दायित्वों का निर्वहन करें। ऐसा करने से सड़क दुर्घटना में कमी आ सकती है। उन्होंने युवाओं से अपील किया कि दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें तथा अपने वाहन पर 2 से अधिक लोगों को ना बैठाएं तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। उन्होंने कहा कि समय बहुमूल्य है परंतु जीवन अमूल्य है। थोड़ा सा समय बचाने के लिए तेज रफ्तार से वाहन ना चलाएं तथा निर्धारित गति सीमा में ही वाहन को चलाएं तथा यातायात नियमों का पालन करें। इस दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों तथा नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति कर्तव्य व निष्ठा की शपथ दिलाया गया। इस अवसर पर संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल, SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला, PWD के सहायक अभियंता राजेश कुमार, यात्री कर अधिकारी इरशाद अली सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुनीता सिंह ने कहा, लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोग को प्राप्त हो जाते हैं और इतनी बड़ी तालाब है, उसको प्रतिवर्ष कैसे कम किया जाए और कैसे उसका अंकुश लगाया जाए। साथियों, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो आज दिनांक 18 जनवरी 2021 से 1 महीने के लिए प्रारंभ किया गया है, बहुत ज्यादा फोकस है ये दुर्घटनाएं कम से कम हो और इन दुर्घटनाओं में कमी हम अपनी जागरूकता को बढ़ावा देकर भी कम कर, जैसे यातायात विभाग पुलिस का है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इसी क्रम में PWD विभाग द्वारा अब यह संयोजन किया जा रहा है जिसमें से सड़क पर व्हाइट मार्किंग होती है, डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स लगाए जाते हैं, तो इन सब के जरिए जो है गवर्नमेंट सड़कों पर सड़क की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए जो है प्रयास कर रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा यह संकल्प लिया गया है कि मुझे गर्व है कि मैं भी सड़क सुरक्षा प्रहरी हूँ, मुझे अपने व सभी के अपनों की सुरक्षा का ध्यान है, यातायात सुरक्षा के नियमों का पालन जुर्माने के कारण, जुर्माने के डर से नहीं कर्तव्य समझकर करते हैं। इस वक्तव्य को हमें आत्मसात करना होगा और दूसरों को जागरूक भी करना होगा। धन्यवाद। आज से 18 जनवरी से लेकर के 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। पहले हम सप्ताह मनाते थे लेकिन इस बार ये पूरा 1 महीने का समय इसके लिए रखा गया है कि हम कैसे सड़कों पर होने वाले एक्सीडेंट्स को रोकें, कम करें। ये लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम 10% इसमें कमी हम लाएं तो हमारा ये लक्ष्य सफल होगा। एक्सीडेंट के बहुत से कारण होते हैं, एक तो रोड इंजीनियरिंग होती है, मानवीय त्रुटियाँ होती हैं, वाहन में खराबी होती है और अकस्मात कारण होते हैं। इसीलिए भारत सरकार के सड़क परिवहन विभाग द्वारा इसमें सभी विभागों को जोड़ा गया है, परिवहन विभाग, PWD, NH, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, यातायात विभाग, शिक्षा विभाग, सभी को इसमें शामिल करते हुए ये कार्य योजना बनाई गई है। सभी के सामूहिक प्रयास से, सभी के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में समन्वय स्थापित करते हुए इस तरह से प्रयास किए गए हैं कि सड़कों पर होने वाले एक्सीडेंट को न्यूनतम किया जाए। आपको पता है अपराध में जितने लोग तो नहीं होती है उससे कहीं ज़्यादा लोग तो एक्सीडेंट में हो जाते हैं। जिस घर का आदमी मृत्यु प्राप्त करता है या एक्सीडेंट में होता है या गंभीर रूप से घायल होता है, उस परिवार के ऊपर क्या बीती है वो उस परिवार को ही पता चलता है। इसलिए एक्सीडेंट कम से कम हो, इसके लिए हमें सतत प्रयासशील रहना होगा। यातायात विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है और जो
जो दिए हुए निर्देश हैं, जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत जुर्माने की कार्रवाई होती है। हम लोगों का मकसद है जुर्माना न हो, जुर्माना ना लगे, सब स्वभावतः यातायात के नियमों का पालन करें, लेकिन ये हो नहीं पाता है, इसलिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। समय समय पर हम लोग अभियान चला करके और जो रूटीन में है उस तरह से वाहनों की चेकिंग करते हैं, कागजों को देखते हैं, जिनको वाहन नहीं चलाना चाहिए, जिनके पास ड्रिल नहीं वो भी वाहन चलाते रहते हैं, तो ऐसे में लापरवाही से ये एक्सीडेंट होते हैं। कभी कभी रोड की डिजाइन इस तरह से होती है कि वहाँ अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, उनको हम लोग ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित करते हैं, सड़क पर गड्ढे या सकरा मोड़ या अंधा मोड़, इनकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा हाई स्पीड से वाहन चलाना, लापरवाही से वाहन चलाना या रोड पर अकस्मात जानवर का आ जाना या बच्चों का आ जाना, इससे भी एक्सीडेंट होते हैं। तो किस तरह से हम एक सामूहिक कार्ययोजना बनाकर एक्सीडेंट को न्यूनतम करें, इस दिशा में इस माह में पूरे प्रयास किए जाएंगे और हम आशान्वित हैं कि जो सरकार की मंशा है कि एक्सीडेंट में कम से कम 10% की कमी लाई जाए, उसमें सफल हो जाए। हम सब इस दिशा से सफर लेते हैं। हम यातायात संबंधी समस्त नियमों का पालन करेंगे, हम बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए तथा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए किसी वाहन का संचालन नहीं करेंगे, चलाएंगे वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे तथा अन्य अनुपतनाक ढंग से वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वयस्क होने के पश्चात वाहन चलाते समय पैदल एवं साइकिल यात्रियों का सम्मान प्रदान करेंगे। हम कभी भी नशे की स्थिति में वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम वाहनों पर स्टंट आदि नहीं करेंगे। हम तेज गति से वाहन नहीं चलाएंगे। उसमें मैं मुख्य अतिथि के रूप में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए माननीय विधायक श्री कमलेश पासवान जी का मैं हृदय से बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही कम समय में और अपना इतने बिजी शेड्यूल में भी हमारे विभाग का कार्यक्रम में आयोजित होने के लिए मुख्य अध्यक्षता लेने के लिए उन्होंने तुरंत ही हामी भर दी और उन्होंने भरपूर समय हमें दिया। और मैं अब परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की तरफ से सर्वव्यापी आश्वासन देती हूँ कि इस माह में जो भी हम लोग सड़क सुरक्षा माह में प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं उसमें हम और एसपी ट्रैफिक साहब मिलकर कुछ ऐसा आयोजन जरूर करेंगे कि जो आगे उम्मीदों पर हम खरा उतरने की कोशिश जरूर करेंगे। आज उनका भी ये माह शुरुआत का उद्घाटन समारोह है, फिर भी उन्होंने हमारे परिवहन विभाग में आकर उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया, इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में नगर निगम में कर्नल सीपी सिंह जी जिन्होंने सुबह ही सुबह से लग के हमारे परिसर को बहुत क्लीन करके और बहुत अच्छे से अपना सहयोग प्रदान किया, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। इनका भी ये प्रोग्राम है और इन्होंने हम लोग का सड़क सुरक्षा प्रोग्राम ऐसा होता है कि सभी विभाग का परस्पर अगर सहयोग नहीं होगा तो हम इस माह को आयोजित करने में सफल नहीं हो पाएंगे और इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पे आए हुए सभी सम्मानित नागरिकगण मीडिया बंधु का भी बहुत सहयोग देता सहयोग देने के लिए बहुत ही धन्यवाद और हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्य अतिथि महोदय के उन्हों से हमें है और अभी मैं को आगे ठीक कर लीजिएगा।
सिटी बाय यूएसपी ड्राइव। आज से सर यातायात मार्ग का शुभारंभ किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये तो पूरे प्रदेश व्यापी ये आंदोलन के रूप में इस चीज़ को लिया जाना चाहिए। मैंने इससे पूरे अपने संबोधन में बोला कि एक बतौर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि यातायात नियमों का पालन अधिक से अधिक लोग करें, जिससे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कम से कम हो। और सड़क जिस तरीके से बन रही है गोरखपुर में, सड़क चौड़ी हो रही है, वो तभी है अच्छा चलने में जब लोग उसमें न्यूसेंस करें, लिटर ना करें और नियमों का पालन कर कर अपने जो है यात्रा को सुगम बनाएं। परिवहन विभाग ने अभी हमेशा हम लोग सड़क सप्ताह मनाते थे, इस बार शासन की तरफ से निर्देशित किया गया है परिवहन विभाग को कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के रूप में इसे मनाया जाए, जो 18 फरवरी से इसका उद्घाटन होगा और 17 फरवरी तक हम लोग जो है इसको आयोजित करेंगे। और इसमें प्रत्येक दिन कई कार्यक्रम हैं, जिसमें इन्फोर्समेंट से लेकर लोगों को जागरूक करने से लेकर विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, शहरी क्षेत्रों में जाकर जनमानस को जागरूक करने के लिए हम लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जो समय समय पर सड़क सुरक्षा माह में के लिए फायदेमंद होगा जनता के लिए। ये इसका पूरे महीने भर ये प्रचार वाहन है हमारे सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए। ये पूरे जनपद में, गोरखपुर जनपद में समय समय पर हर जगह जाके जनता को जागरूक करने के लिए इसको रवाना किया गया। ये पूरे माह पूरे गोरखपुर जनपद में संचालित होगी।